श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों, एक बार पुनः स्वागत है आपका आपके अपने चैनल शिव महापुराण में। आज कार्तिक माह पवित्र माह, कार्तिक माह बहुत पवित्र होता है। आप इस माह में यदि विष्णु जी को मनाते हैं तो विष्णु जी के लिए तो पूरा ही समर्पित होता है। लक्ष्मी जी विष्णु जी के लिए है। माह ऐसा है कि इस समय जो भी पूजन की जाती है वह विष्णु जी और लक्ष्मी जी को समर्पित होती है, लेकिन बिना भोलेनाथ विष्णु जी अपनी पूजन भी नहीं ग्रहण करते हैं। इसलिए आज प्रदोष काल में, आज कार्तिक माह के पहले सोमवार को प्रदोष काल में आप छोटा सा यह उपाय करते हैं तो आप कैसी भी आपकी मनोकामना हो, और साथ ही लक्ष्मी जी को मनाने का यह बहुत ही अच्छा उपाय है। आप यह उपाय यदि कर लेते हैं तो आपके यहाँ धन धान्य की कोई कमी हो ही नहीं सकती। आप प्रदोष काल में एक जल के लोटे में थोड़ा सा जल ले जाएं, कलश में जल भर के ले लें, एक चावल का दाना, एक बिलपत्र। बिलपत्र साबुत होना चाहिए, खंडित नहीं होना चाहिए। ये बार बार आपको बताने का कारण ये है कि शिव जी को कुछ भी खंडित चीज़ नहीं चढ़ती। यदि आप अक्षत चढ़ाते हैं तो भी साबुत होना चाहिए, आप बिलपत्र चढ़ाते हैं तो भी साबुत होना चाहिए, साथ ही शमी पत्र यदि मिल जाए तो, जरूरी नहीं है लेकिन शमी पत्र भी शिव जी को अति प्रिय होते हैं। आप ये तीनों सामग्री कलश में डाल लें और ले जाएं। साथ ही आपको पांच दीपक गोल बाती के, यह ध्यान रखना आपको गोल बाती और घी के ही दीपक ले आना है, क्योंकि शिव जी को हमेशा गोल बाती के दीपक ही लगाए जाते हैं, लंबी बाती के नहीं। आप एक दीपक, पांच दीपक आप घी के रख लें, एक दीपक लंबी बाती का रख लें, क्योंकि पार्वती माँ को लंबी बाती का दीपक लगता है। जितनी देवियाँ हैं, आप लक्ष्मी जी को यदि दीपक लगा रहे हैं तो लंबी बाती का लगता है, पार्वती माँ को लगता है तो लंबी बाती का लगता है, क्योंकि देवी को हमेशा देवी को लंबी बाती का दीपक ही लगाया जाता है। आप शिव जी के मंदिर में पांच दीपक घी के, ज़रूरी नहीं है कि आप मिट्टी के दीपक, आपके पास नहीं हैं तो मिट्टी के दीपक ले आना ज़रूरी है, आप आटे के दीपक बना सकते हैं, और आप नहीं तो वहाँ दीपक जो रखे रहते हैं उसमें भी बाती लगा कर आ सकते हैं। आपको घर से एक दीपक तो अवश्य रख के ले जाएँ, बहुत अच्छा रहता है। यदि नहीं तो आटे के आप पाँच दीपक और छः दीपक बना लें, एक लंबी बाती का और पाँच गोल बाती के दीपक बना लें। आप एक शिव जी के नाम से शिव जी के समक्ष, शिवलिंग के समक्ष, एक कार्तिकेय के नाम से, एक गणपति के नाम से, और एक मणिभद्र जी के नाम से द्वारपाल, जो शिव मंदिर के द्वारपाल होते हैं, शिव जी के द्वारपाल होते हैं। आप बोलते हैं कि ऐसा कहा जाता है कि यदि आपको कोई अपनी मनोकामना का पूरी करवाना है तो आपको मणिभद्र जी को ज़रूर मनाना होगा, क्योंकि आपको अंदर जाने की अनुमति, मंदिर में तो सभी जा सकते हैं, मैं ऐसा नहीं कह रही हूँ, लेकिन कहते हैं, ऐसा कहा गया है शिव महापुराण में, यदि आप मणिभद्र जी से आज्ञा लेते हैं और दीपक उनको भी समर्पित करते हैं तो आपके लिए विशेष विनय करते हैं, शिव जी से विनय करते हैं कि आप जो भक्त आपके द्वार पर आया है उसकी मनोकामना आप अवश्य पूर्ण करें। इस प्रकार आप मणिभद्र जी के लिए एक ले जाएं और एक नंदी बाबा के लिए, इस तरह से पांच दीपक किए, और जो आपने लंबी बाती का दीपक रखा है वह पार्वती माँ को लगाएं। आप ज़रूरी नहीं उनके समक्ष लगाएं, आपको यह छः दीपक शिव मंदिर में, क्योंकि कार्तिक मास दीपदान करने का ही मास होता है। यदि आप तुलसा जी के समक्ष दीपक लगाते हैं उसका अलग फल होता है, तुलसा जी तो खुद ही लक्ष्मी का जी का रूप माना गया है तो वहाँ तो लगाना ही चाहिए। साथ ही पीपल देव पे लगाते हैं सिर्फ रविवार को छोड़कर, आप कार्तिक मास में यदि पीपल देवता पे लगाते हैं, आंवले पे लगाते हैं, दीपक लगाने का एक अलग ही महत्व होता है। लेकिन आज के दिन सोमवार के दिन आपको प्रदोष काल में शिव जी के मंदिर में ये छः दीपक ज़रूर ले आना है। जब प्रदोष काल में मंदिर जाएं तो प्रदोष काल तो आपको मालूम ही होगा, प्रदोष काल होता है
सूर्यास्त के 45 मिनट पूर्व से लेकर और सूर्यास्त के 45 मिनट बाद तक प्रदोष काल होता है। आप प्रदोष काल में मंदिर जाएं, वहां जाकर सर्वप्रथम भोले बाबा से बैठ के प्रार्थना करें कि मेरा ये काम है, मेरा ये कार्य है, मेरी ये मनोकामना है, आपको पूर्ण करनी है। आप देख लें आपको किस तरीके से पूर्ण करनी है। मेरी आपसे अर्जी है, मैं आपके आगे अर्जी लगा रहा हूँ और यह आपको मान्य करना होगा। आप मंदिर में जाकर सर्वप्रथम सबसे पहले आप भोलेनाथ पर जल चढ़ाएं। जो जल में चावल का दाना, आपने अक्षत का दाना डाला था, वह बिलपत्र हाथ से निकाल के चिकनी तरफ से भोलेनाथ पर, डंडी अपनी तरफ होना चाहिए बिलपत्र की, वह चढ़ाएं। शमी पत्र चढ़ाएं। यदि आप पुष्प ले गए हैं तो पुष्प चढ़ाएं। आप यदि कुछ मीठा या कुछ फल वगैरह ले गए हैं तो भोलेनाथ पर वह समर्पित करें और बैठ जाएं आराम से। वहाँ आपके पास जो भी दीपक हैं, 5 दीपक आप प्रज्वलित कर लें, माँ पार्वती का दीपक भी एक दीपक रहने दें, क्योंकि मणिभद्र के लिए आपको, जो उनके द्वारपाल हैं, शिव जी के द्वारपाल हैं, उनके लिए आपको बाहर निकलते समय जब प्रज्वलित करना है। आप भले ही दीपक प्रज्वलित करके रख सकते हैं, बाद में उठा के वहाँ रख दें। आप सर्वप्रथम जो भी आपके मन की मनोकामना है, आपको धन की लक्ष्मी की कमी है, या आपका बच्चा इंटरव्यू में देने जा रहा है, या एग्ज़ाम देने जा रहा है, आप उसमें सफलता चाहते हैं, या आप स्वयं एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, आपको सफलता प्राप्त करनी है, जो भी आपका कार्य है, जो भी आपकी मन की इच्छा हो, आप यदि किसी तनाव में हैं, वह तनाव समाप्त करना चाहते हैं, जो भी आपकी परेशानी हो, आप भोलेनाथ से बोलें और कोशिश करें। यदि आपके पास रुद्राक्ष की माला है तो घर से रख के ले जाएं, और नहीं है तो भी कोई बात नहीं, यदि रुद्राक्ष की माला है तो 108 मन के आप श्री शिवाय नमस्तुभ्यम के जाप करें, और नहीं है तो कोई बात नहीं, जितनी देर बैठकर आप यदि श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करके भोलेनाथ से प्रार्थना करके आप अपने कार्य के लिए अर्जी लगाएं, और फिर दीपक यदि शिव जी के मंदिर में शिवालय में गणेश जी की प्रतिमा बनी हुई होती है तो आप वहाँ एक दीपक उठा के रख दें। जहाँ कार्तिकेय बने हों वहाँ कार्तिकेय के लिए जो आप दीपक ले गए थे वह रख दें। जो पार्वती माँ के लिए ले गए थे लंबी बाती का दीपक, वह पार्वती माँ के पास रख दें, समक्ष रख दें। और जो शिवलिंग के पास रखा हुआ है एक दीपक वहीं रखे रहने दें, एक नंदी बाबा के उधर। थोड़ी देर बैठने के बाद आप थोड़ी देर जो भी आपको भगवान भोलेनाथ से अपनी मन की बात करना है करके, और जब आप वापस आने लगें तब द्वार पे जो शिव जी का मंदिर का द्वार होता है उस पर आप एक दीपक रख दें। वो साथ ही मणिभद्र जी जो उनके द्वारपाल होते हैं उनसे विनती करें कि मेरा ये काम पूरा हो जाए, आप भोलेनाथ से मेरी तरफ से विनती करना। आप देखना आप इतना करते हैं आपका जो भी कार्य है वह अवश्य पूरा होगा। आप विश्वास रख के, श्रद्धा रख के कार्य करिए, आप देखना आपको अवश्य सफलता प्राप्त होगी। या धन की यदि आपको कमी है तो आपके हाँ धन का आगमन बढ़ जाएगा। आप पर और आपके पूरे परिवार पर भोलेनाथ की कृपा बनी रहे। ओम नमः शिवाय।